फर्स्ट पार्ट ऑफ कोनिक सेक्शन इज सर्कल। कोनिक सेक्शन में हम लोग चार टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, सर्कल्स, पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला। द वेरी फर्स्ट पार्ट इज सर्कल। दिस इज अ पार्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। यदि मैं सर्कल की बात करूं तो सर्कल तो हमने क्लास 9th एंड क्लास 10th ही पढ़ा था, बट यहाँ पे हम सर्कल को कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ड्रॉ करना सीखेंगे और इसका इक्वेशन बनाना सीखेंगे। मान लो हमारे पास एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है, लेट्स सी, दिस इज अ कोऑर्डिनेट एक्सिस, और इस कोऑर्डिनेट एक्सिस पे एक ऐसा सर्कल मैं बनाता हूँ जिसका सेंटर किसी न किसी क्वाड्रेंट में है या किसी न किसी एक्सिस पे है। सर्कल में हमारे पास सिर्फ दो ही पैरामीटर होते हैं जिसकी वजह से एक सर्कल फिक्स्ड हो जाता है एक पॉइंट पे। द फर्स्ट पैरामीटर इज कॉल्ड द सेंटर एंड द सेकेंड पैरामीटर इज कॉल्ड द रेडियस। इफ यू नो द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल, वी कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। मान लो हमारे पास एक सर्कल है कोऑर्डिनेट एक्सिस पे जिसका सेंटर का कोऑर्डिनेट है एस कॉमा के एंड द रेडियस ऑफ दिस सर्कल इज आर। सो व्हेन वी आर फाइंडिंग द इक्वेशन ऑफ सर्कल, वी नीड टू कंसीडर अ जनरल पॉइंट ऑन द सर्कल। जिस तरह से हमने स्ट्रेट लाइन पढ़ा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कि यदि आप एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन फाइंड करना चाहते हो तो स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक जनरल पॉइंट कंसीडर करो, एक्स वाई, वेरिएबल पॉइंट। उसी तरह यहां पर भी सर्कल के सर्कमफेरेंस पे कहीं पर भी एक जनरल पॉइंट कंसीडर करो जो कि एक वेरिएबल पॉइंट है। सो वी कैन कंसीडर द पॉइंट एक्स वाई और रिलेट एक्स विथ वाई। एक्स एंड वाई का एक ऐसा रिलेशन फाइंड करो जो सर्कल के हर एक पॉइंट पे सेटिस्फाई करता हो। आप इस पॉइंट को यहाँ भी लोगे तब भी ये रेडियस बनेगा, आप इस पॉइंट को यहाँ लोगे तब भी ये रेडियस बनेगा, कहीं पर भी लो पॉइंट सी से सीपी का डिस्टेंस रेडियस ही बनेगा। सो व्हेन वी आर फाइंडिंग द इक्वेशन ऑफ सर्कल, वी नीड टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स वाई विथ एच के एंड आर। इन सभी को आपस में रिलेट कैसे करेंगे? डायग्राम से क्लियर है कि हम डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। सो व्हेन वी आर फाइंडिंग द इक्वेशन अकॉर्डिंग टू डायग्राम, वी कैन से सीपी इज इक्वल टू आर। नो व्हाट इज सीपी? व्हाट इज सीपी? वी कैन से दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ, डिस्टेंस फार्मूला लगा दो, एक्स माइनस एच होल स्क्वायर दैट इज एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर एंड प्लस वाई माइनस के दैट इज वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर। इफ यू से स्क्वायरिंग बोथ साइड, इट कैन बी एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये सर्कल का इक्वेशन बन गया। सो दिस इज कॉल्ड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। नाउ बाय दिस फॉर्मूला वी कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ एनी सर्कल इफ सेंटर एंड रेडियस आर गिवन, और अ क्लू टू फाइंड द सेंटर एंड रेडियस इज गिवन। या तो सेंटर रेडियस दिया होगा या कुछ ऐसा सिचुएशन गिवन होगा कि आप डायग्राम बनाने के बाद उसका सेंटर एंड रेडियस स्ट्रेट लाइन के या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के किसी कॉन्सेप्ट से फाइंड कर सकते हो। आफ्टर गेटिंग सेंटर एंड रेडियस वी कैन यूज दिस फॉर्मूला टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल का हमारे पास ये सिंपल फॉर्मूला है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव अ क्वेश्चन, लेट इफ वी हैव अ क्वेश्चन फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज सेंटर इज एट ओरिजिन एंड रेडियस 2 यूनिट्स। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज सेंटर इज एट ओरिजिन एंड रेडियस 2 यूनिट। सो वी कैन मेक द सर्कल, वी कैन मेक अ स्मॉल डायग्राम फॉर दिस। आप एक छोटा सा डायग्राम पहले बनाइए कि एक कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर एक सर्कल, ठीक है। तो मैं एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूँ, लेट्स सी अ कोऑर्डिनेट एक्सिस, दिस इज अ कोऑर्डिनेट एक्सिस, और एक ऐसा सर्कल बनाओ, हमें सेंटर एंड रेडियस से मतलब है, एक ऐसा सर्कल बनाओ जिसका सेंटर ओरिजिन है। क्या लिखा है? सेंटर इज ओरिजिन एंड रेडियस 2 यूनिट। सो मेक अ स्मॉल सर्कल जिसका सेंटर ओरिजिन एंड रेडियस 2 यूनिट है। सो वी कैन मेक द सर्कल लाइक दिस, दिस इज अ सर्कल, राइट, दिस इज अ सर्कल। सो वी कैन से इस सर्कल का सेंटर ओरिजिन है एंड रेडियस कितना है? 2 यूनिट है, रेडियस इज 2 यूनिट। व्हेन वी आर फाइंडिंग द इक्वेशन ऑफ सर्कल, वी नो द सेंटर एंड रेडियस, वी कैन से सेंटर इज 0,0 एंड रेडियस इज 2 यूनिट। यू नो द फॉर्मूला, तो वी कैन से वी नो दैट इक्वेशन ऑफ सर्कल। फॉर्मूला नोट नोट करो, इक्वेशन ऑफ सर्कल कैन बी रिटन एज
एक्स माइनस जीरो होल स्क्वायर एंड प्लस वाई माइनस जीरो होल स्क्वायर इक्वल टू टू स्क्वायर। तो मैंने एच एंड के की जगह जीरो पुट कर दिया। सो अल्टीमेटली इक्वेशन कैन बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर। सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। इसी तरह से और भी कई क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें कि सेंटर एंड रेडियस दिया हुआ है या उसका कुछ क्लू दिया हुआ है। एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, वन मोर एग्जाम्पल सी, एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। लेट्स सी, हमारे पास एक क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज सेंटर लाई ऑन एक्स एक्सिस एंड रेडियस इज 5 units, रेडियस इज 5 units, सेंटर एक्स एक्सिस पे है और रेडियस 5 यूनिट है। अब इसका सेंटर एग्जैक्ट नहीं पता, बट ये पता है कि सेंटर एक्स एक्सिस पे है। आप किसी भी सर्कल के क्वेश्चन में एक डायग्राम को बनाइए, जिन क्वेश्चन में एक्सिस या ओरिजिन के बारे में बात की जा रही है वहां पे एक डायग्राम बनाइए। यदि आप कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर एक सर्कल ऐसा बना लेते हो जिसका कि सेंटर एक्स एक्सिस पे और रेडियस 5 यूनिट है तो कैसा बनेगा, देखो। एंड और आगे और भी लिखा हुआ है, एंड ऑल्सो सर्कल पासेस थ्रू द ओरिजिन, सर्कल ओरिजिन से पास होता है, ठीक है। तो ये सर्कल कैसा बनेगा, अब देखिएगा ये सर्कल कैसा बनेगा। एक ऐसा सर्कल जिसका कि सेंटर एक्स एक्सिस पे है, रेडियस 5 यूनिट है और ये सर्कल ओरिजिन से पास होता है। तो ये पूरा का पूरा सिचुएशन को पढ़ के कोऑर्डिनेट एक्सिस पे हमने एक सर्कल बनाया। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि कुछ भी सिचुएशन दिया हो आप सबसे पहले इसका सेंटर एंड रेडियस पता करो। क्या लिखा पढ़िए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल सेंटर लाई ऑन एक्स एक्सिस एंड रेडियस इज 5 यूनिट ऑल्सो पास थ्रू द ओरिजिन। अब ये सर्कल ओरिजिन से पास हो रहा है, इसका सेंटर एक्स एक्सिस पे और रेडियस 5 यूनिट है। सो व्हाट डू मीन बाय द सेंटर इन दिस, सेंटर क्या होगा, सेंटर 5,0 हो जाएगा। सिंस रेडियस इज 5 एंड सर्कल पासेस थ्रू द ओरिजिन, सो वी कैन से द सेंटर इज 5,0 एंड रेडियस इज 5। सो वी गॉट द सेंटर एंड रेडियस। आप स्टेटमेंट को पढ़ के सेंटर एंड रेडियस पता करो। नाउ वी कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। इक्वेशन ऑफ सर्कल कैन बी रिटन एज एक्स माइनस एच होल स्क्वायर, पहले हम फॉर्मूला पुट कर देते हैं, प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। वी कैन पुट द वैल्यू, इट कैन बी एक्स माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 होल स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर। आंसर को इस फॉर्म मत लिखो, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखो, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। सो इट कैन बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल टू 0। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। आंसर जब भी लिखोगे तो पहले एक्स स्क्वायर का टर्म, फिर वाई स्क्वायर का, फिर एक्स, फिर वाई, फिर कॉन्स्टेंट, अरेंज करके लिखो स्टैंडर्ड फॉर्म, राइट। दिस इज वन मोर एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, इक्वेशन ऑफ सर्कल की बात कर रहे हैं हम लोग, वी आर थिंकिंग अबाउट द इक्वेशन ऑफ सर्कल। सो इक्वेशन ऑफ सर्कल में मेरे पास एक और क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है जिसमें ऐसा लिखा हुआ है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको बता रहा हूँ, हर एक क्वेश्चन का सेम लॉजिक आप फॉलो करोगे, सेम कॉन्सेप्ट लगाओगे कि आप सेंटर एंड रेडियस फाइंड करोगे। लिखा है क्वेश्चन में, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, द एंड पॉइंट ऑफ वन ऑफ हुज डायमीटर आर ए 2, -3 एंड बी -2, -4, ठीक है। सो अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ध्यान से देखना। एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाने की जरूरत नहीं, एक कोई भी सर्कल बना लो, कहीं भी बना लो, क्योंकि इसमें कहीं पर भी एक्सिस या ओरिजिन का नाम नहीं लिखा हुआ है। सो वी कैन मेक एनी सर्कल, एक ऐसा सर्कल बनाओ जिसके डायमीटर का एंड पॉइंट दिया गया है। बट हमें डायमीटर से मतलब नहीं है, वी हैव टू फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल टू गेट द इक्वेशन। तो मान लो एक ऐसा सर्कल है हमारे पास, लेट्स सी दिस इज अ सर्कल जिसका कोई भी एक डायमीटर हमने बना लिया, लेट्स सी दिस इज अ डायमीटर जिसका एंड पॉइंट ए एंड बी है,
चलो तो हमने एक डायमीटर बनाया एंड डायमीटर का कॉर्डिनेट 2, -3 एंड दूसरा -2, -4। बट टू फाइंड टू गेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल जो पूछा गया है, इसके लिए हमें क्या चाहिए? सेंटर एंड रेडियस। सो वी कैन से सेंटर इज द मिड पॉइंट ऑफ AB अकॉर्डिंग टू डायग्राम, क्योंकि ये डायमीटर का मिड, ये डायमीटर है, सो डायमीटर का मिड पॉइंट ही सेंटर होगा, सिंस सी इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। मैंने कहा था आपको थोड़ी देर पहले कि आप स्ट्रेट लाइन का या कॉर्डिनेट ज्योमेट्री का कोई भी कॉन्सेप्ट लगा करके सेंटर एंड रेडियस फाइंड करो सबसे पहले। सो सी इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, सो सी का कॉर्डिनेट क्या होगा? x1 + x2/2, हमने फॉर्मूला पढ़ा था मिड पॉइंट के लिए, x1 + x2/2 एंड y1 + y2/2, सो -3 + 4/2। सो सेंटर का कॉर्डिनेट क्या हो जाता है? 0, 1/2। क्या हो गया? सेंटर का कॉर्डिनेट हो गया 0, 1/2। सो सेंटर इज व्हाट? मिड पॉइंट ऑफ AB। सेंटर क्या है? AB का मिड पॉइंट है, तो 0, 1/2 हो जाता है। सो इफ वी गॉट द सेंटर, वी कैन ऑल्सो फाइंड द रेडियस। यदि मैं रेडियस की बात करूं, रेडियस हो जाएगा AC। AC या BC कोई भी फाइंड कर लो, देखने से क्लियर है डायग्राम को, ये दोनों रेडियस है। मैंने कहा व्हेन वी आर फाइंडिंग द इक्वेशन ऑफ सर्कल वी नीड टू फाइंड द इक्वेशन सेंटर एंड रेडियस। आफ्टर गेटिंग सेंटर एंड रेडियस वी नो द फॉर्मूला टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। सो हाउ टू गेट द रेडियस? वी कैन यूज द डिस्टेंस फॉर्मूला टू फाइंड द लेंथ ऑफ AC। इट कैन बी x2 - x1² एंड प्लस y2 - y1² इट कैन बी √4 + 3 × 6 = 749/4 इट इज √16 + 49/4 इट कैन बी √65/4। ये मिल गया रेडियस। सो वी गॉट द सेंटर एंड रेडियस, सो नाउ वी कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। सो इक्वेशन ऑफ सर्कल का हमारे पास फॉर्मूला है x - h² यहाँ पे h देखो कितना है 0 और k कितना है 1/2 प्लस y - k² इज इक्वल टू r² दैट इज √65/4². अब आप यहाँ पे एक्सपेंड करोगे तो x² प्लस यहाँ पे a - b² लगाइए तो y² - y + 1/4 इज इक्वल टू 65/4, रूट एलिमिनेट हो गया। सो इट इज x² + y² - y और इसको इधर ले आओगे तो 1 - 65 - 64 16 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 16 × 4 = 64। सो आंसर क्या मिला? x² + y² - y - 16 इक्वल टू 0। सो वेन अब आपने क्या पढ़ा? फिर से वही बात, वेन वी आर फाइंडिंग द इक्वेशन ऑफ सर्कल वी नीड टू फाइंड द सेंटर एंड रेडियस। यदि आपको सेंटर एंड रेडियस पता है, इक्वेशन फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ और एग्जाम्पल देखो। यदि मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पर लेता हूँ कि लिखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच पासेस थ्रू द पॉइंट, विच पासेस थ्रू द पॉइंट 2, -2 एंड 3, 4 एंड हुज सेंटर लाई ऑन द लाइन x + y = 2। ठीक है, अगेन सेम थिंग, इक्वेशन ऑफ सर्कल पता करना है। सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए, क्या पता करना है? इक्वेशन ऑफ सर्कल, एक डायग्राम बनाता हूँ, एक कोई भी डायग्राम बनाता हूँ, जरूरी नहीं कि हम इस डायग्राम को कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाएं, क्योंकि इसमें कहीं पे कोऑर्डिनेट एक्सिस के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है। एक ऐसा डायग्राम बनाओ, एक ऐसा सर्कल बनाओ जो कि जिसके सर्कमफेरेंस पर 2 पॉइंट दिया है, 2, -2 एंड 3, 4। अ सर्कल पासेस थ्रू द पॉइंट 2, -2 एंड 3, 4। ठीक है, मान लो हमारे पास एक सर्कल ऐसा है, दिस इज अ सर्कल, राइट, और इस सर्कल के ऊपर कोई भी 2 पॉइंट दिया गया है। मान लेते हैं ये पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट है 2, -2 एंड एक और पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है 3, 4, पॉइंट बी जिसका कोऑर्डिनेट है 3, 4। ठीक है, तो ये दो बात तो हो गई। अब एक और बात इसमें लिखिए कि सेंटर लाई ऑन सम लाइन। तो अब एक लाइन बना दो, कोई भी एक ऐसा लाइन बनाओ जो कि सेंटर से होता हुआ जा रहा हो। तो मैंने एक लाइन ऐसा बनाया, तो इसको मैं लिखता हूँ इस तरह से, और इस लाइन का नाम है x + y = 2। तो सेंटर पॉइंट सी लाई ऑन दिस लाइन।
So what we have to find? Equation of circle. To find the equation of circle, what we needed? क्या find करना है? Center and radius. So center find करने के लिए center के coordinate को h k मान लो, क्योंकि हमें नहीं पता. अब हमें h and k के form में कुछ equation बना के center पता करना है. So now आप कैसे h and k का equation बनाओगे? इस diagram से clear है कि आप c a and c b को equal कर सकते हो, because ये दोनों ही radius के equal है. ठीक है, हमें h and k में कुछ इक्वेशन चाहिए, उससे h and k की वैल्यू चाहिए. मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ अकॉर्डिंग टू डायग्राम, सिंस सी ए इज इक्वल टू सी बी, ऐसा लिख सकता हूँ मैं. लेकिन से सी ए इज इक्वल टू सी बी, यदि आप स्क्वायर रूट को हटाना चाहते हो तो सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी स्क्वायर लिख सकते हो. अब यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्म लगाइए, तो एच माइनस टू होल स्क्वायर प्लस के प्लस टू होल स्क्वायर एंड एच माइनस थ्री होल स्क्वायर प्लस के माइनस फोर होल स्क्वायर. ये बन गया एच स्क्वायर माइनस फोर एच प्लस फोर प्लस के स्क्वायर प्लस फोर के प्लस फोर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस सिक्स एच प्लस नाइन एंड प्लस के स्क्वायर माइनस एट के प्लस सिक्सटीन. एच स्क्वायर एंड के स्क्वायर दोनों तरफ कैंसिल हो गया, तो ये क्या बच गया? माइनस फोर एच एंड प्लस फोर के प्लस एट इज इक्वल टू माइनस सिक्स एच माइनस एट के एंड प्लस ट्वेंटी फाइव. ठीक है, अब h वाले टर्म को इधर ले आओ तो 6h माइनस 4h कितना हो गया 2h, 8k को इधर ले आओ प्लस 12k. हम एक इक्वेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर, तो 12k हो गया, 25 और माइनस 8 कितना हो गया 17. सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन. हमें h एंड k में एक और इक्वेशन चाहिए जिसके हम h एंड k की वैल्यू फाइंड कर सकें. सो नाउ वी कैन से सिंस पॉइंट h k पॉइंट c लाई ऑन दिस लाइन, सिंस पॉइंट c h k लाई ऑन line, which line? x plus y equal to 2. So therefore this point satisfy this line. So we can say h plus k is equal to 2. We can solve these two equation to get the center. Center matlab h comma k. ठीक है, तो मैं इन दोनों को सॉल्व करता हूँ. इक्वेशन वन को मैंने एज इट इज एलिमिनेशन मेथड लगा देता हूँ, क्लास टेंथ का कॉन्सेप्ट है. और so we can say first equation as it is 2h plus 12k is equal to 17 and equation 2 को 2 से multiply कर दें तो 2h plus 2k is equal to 4. On subtracting this it can be 10k is equal to 13 and k is equal to 13 by 10. So k की value क्या आ गई? 13 by 10. अब k की value को put कर दो यहाँ पर, कहाँ put कर दो? Equation 2 में, तो h मिल जाएगा हमें. h plus 13 by 10 is equal to 2. H is equal to 2 minus 13 by 10. So H can be written as 7 by 10. ठीक है, so therefore center का coordinate हमें क्या मिल गया? 7 by 10 comma 13 by 10. So we got the center 7 10 13 by 10. इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ 7 by 10 13 by 10. Center मिल गया. अब radius पता करो. अब radius कैसे पता करोगे? Radius को हम CA या CB पता कर लें. यदि मैं CA पता करता हूँ तो distance formula लगा दो, 7 by 10 minus 2 whole square and 13 by 10 plus 2 whole square. ये बन जाएगा square root of 2 minus 10 multiplied 10 20, 7 minus 20 13, 169 by 100 and plus ये हो गया तुम्हारा 20 33. तो 33 33 जा 9 18 1089 by 100. ठीक है, इसको सिंप ऐड कर दो, सो आपको मिल जाएगा रेडियस. आफ्टर गेटिंग द सेंटर एंड रेडियस वी कैन अप्लाई द फॉर्मूला फॉर x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर एंड एक्सपेंड दिस टू गेट द एग्जैक्ट इक्वेशन ऑफ सर्कल. ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें कि आपको सेंटर एंड रेडियस पता करने के लिए काफी कॉन्सेप्ट लगाना पड़ा. हमने डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, ठीक है, हमने पॉइंट लाई ऑन द लाइन का कॉन्सेप्ट लगाया, ये सब स्ट्रेट लाइन में पढ़ चुके हैं. तो अब आप जितने भी क्वेश्चन इक्वेशन ऑफ सर्कल के ऊपर है आप ट्राई कर सकते हो. यदि आपके पास असाइनमेंट है, एनसीईआरटी बुक है, आप उससे प्रैक्टिस करिए. और असाइनमेंट में आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के एंड क्वेश्चन नंबर 12 तक, इन क्वेश्चन को आप ट्राई कर सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर से पहले इसको कंप्लीट करिए, उसके नेक्स्ट वीडियो पे आइए. नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि हाउ टू फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल व्हेन इक्वेशन ऑफ सर्कल इज गिवन. यदि सर्कल का इक्वेशन दिया गया है तो सेंटर एंड रेडियस कैसे फाइंड करें.